हेलो माय मीना, होममेड कुकिंग चैनल में आप लोग का वेलकम है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे आशा करती हूँ। तो आज हम चल रहे हैं, देखिए हमारा अमूल का ताज़ा 8-10 ब्रेड है। जितना आपको आवश्यकता है उसके अनुसार आप लीजिए। तो ये नई रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं। ये हमारा देखिए बादाम है 10-15 जो है, और ये हमारा काजू है 10-15 पीस जो है पीस, और ये 4 इलायची हरी है, और 125 ml हमारा चीनी है, और ये लगभग 50 ग्राम कोकोनट जो है बुरादा है। तो इसको हम चल रहे हैं अब रोस्ट कर लेंगे। देखिए हमने गैस चला करके पैन फ्राई रख दिया है, हमारा पैन फ्राई गर्म हो चुका है। अब इसमें हम देसी घी शुद्ध डालेंगे घर का 1 चम्मच। तो देखिए ये गर्म हो चुका है, अब हम जो है ड्राई फ्रूट को डाल देंगे, ये रोस्ट कर लेंगे। इससे हमारा बर्फी बहुत अच्छा बनेगा। और अब इसको हम अलट पलट के अच्छी तरह चला के हल्का रोस्ट करना है। तो देखिए हमारा ये रोस्ट हो चुका है, तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए ये ठंडा हो जाएगा तो इसका हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए 1 चम्मच इसमें अभी घी है, इसी घी में हम जो है ब्रेड को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा हमारा जो है बर्फी बनेगा। इसको अलग पलट के ऐसे हम अच्छी तरह घुमा फिरा के बना लेंगे। देखिए तो देखिए हमारा रोस्ट हो चुका है। इसको हमें ज्यादा नहीं रोस्ट करना है, इसका कच्चापन निकल गया। अब इसके अंदर सोनापन आ गया दोस्तों, ये देखिए। अब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम बारीक जो है पेस्ट बना लेंगे इसका भी। तो देखिए हमने निकाल लिया है, अब इसको हम छोटे छोटे पीस में ऐसे तोड़ लेंगे, क्योंकि इसको हमें बारीक पेस्ट बनाना है। और इसका कच्चापन निकल गया है दोस्तों, बहुत अच्छी बर्फी बनेगी ऐसे अगर आप लोग ट्राई करेंगे। तो देखिए हमने ड्राई फ्रूट को बारीक ऐसे पेस्ट बना लिया है, और ये हमारा ब्रेड है देखिए, इसको भी हमने दरदरा पीस लिया है। ये अभी जब चीनी और दूध में मिलेगा तो अपने आप एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हमने देखिए गैस को जला करके फिर फ्राई पैन को रख दिया है, तो अब हम चीनी को मेल्ट करेंगे। तो देखिए धीरे धीरे हमारा चीनी मेल्ट हो रहा है। इसमें हमें पानी नहीं डालना है ताकि हमारा ब्राउन दिखे जैसे दूध में हम बनाए हैं लगे। तो देखिए पूरा ये ब्राउन जब हो जाएगा तब इसमें हम दूध डालेंगे। तो देखिए हमारा ब्राउन हो गया है मेल्ट, अब इसमें हम दूध डालेंगे। तो दूध अपना जितना हो सकता हो, मान के चलिए 1 कप इसमें दूध पड़ेगा। तो देखिए हमारी चीनी धीरे धीरे इसमें घुल जा रही है। तो देखिए हमारी चीनी मेल्ट हो गई है, और ये उबाल आ गया है एक हमारा अच्छी तरह। देखिए एकदम अच्छी तरह। तो अब इसमें हम डालेंगे देखिए ब्रेड को, और ये ड्राई फ्रूट को भी डाल देंगे इसी में। और ये थोड़ा सा हमारा नारियल है कोकोनट, इसको भी डाल देंगे। अब अच्छी तरह हम इसको चला के मिला देंगे। ये देखिए हमने अच्छी तरह इसको मेल्ट कर दिया है, और जो है जल्दी से झटपट में मेहमानों के बनाने के लिए रेसिपी बहुत ही यमी और बहुत गजब की है। अब इसको हम देखिए हमने अच्छी तरह खूब इसको मिला लिया है, एकदम परफेक्ट मिल चुका है। देखिए कोई कहेगा ही नहीं कि ये ब्रेड की हमारी बर्फी बनी है। तो अब इसको हम एक बर्तन में निकाल के देखिए कैसे पैन को छोड़ दिया है, हमने गैस को ऑफ कर दिया है। झटपट से बनने वाली रेसिपी है दोस्तों, ये देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है। अब हम अब हम इसको एक बर्तन में इसको जमा देंगे। और ये हमारा देखिए हमने घी से ग्रीस कर लिया है, इसी में हम इसको जमाएंगे। तो देखिए इसको हम इसी में निकाल के अब जमा देंगे अच्छी तरह। तो देखिए हमने कितना अच्छे से जमा दिया है। अब इसको हम एक थाली में निकाल लेंगे, चाहे तो आप 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख सकते हैं, फ्रीज में ठंडा हो जाए, और या तो आप तत्काल दिखा सकते हैं, तो हम तत्काल दिखा सकते हैं इसको काट के। देखिए कैसे आपको ये देखिए कितना अच्छा हमारा बर्फी बन के तैयार है। अब इसको हम काटेंगे पीस में।
हमने कितना अच्छा बर्फी बना के तैयार कर दिया है। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बुरादा डालेंगे नारियल का सजाने के लिए। और आप लोग जरूर इस मिठाई को बनाइएगा, और मेहमान अगर आते हैं झटपट में ये मिठाई बर्फी बन के तैयार हो जाएगी आपका। बहुत देखिए कितना यम्मी और कितना अच्छा, आपको हम तोड़ के दिखा रहे हैं कि मुँह में जाते ही ये घुल जाने वाली मिठाई है। ये देखिए कितना अच्छा बर्फी है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।